के लिए सबसे बेस्ट है। और ये जो कोकोनट वर्जिन ऑयल मार्केट में, तो कोकोनट वर्जिन ऑयल खाली बहुत मिलता है, लेकिन पावर्ड बाय गैनोडर्मा होने की वजह से डॉक्टर जयंत रंजन बोलते हैं कि इसको प्योर कार्डियोलॉजी से, यहाँ पर गैनोडर्मा होने की वजह से पावर्ड बाय गैनोडर्मा, वो भी डीएसएन गैनोडर्मा, इसीलिए डीएसएन वजी कोकोनट ऑयल जो है वो आपके लिए एक कार्डियोलॉजी से बचा सकता है। तो वहां पे आरजीजीएल, ये स्पायरुलिना नोनी जी ले लो तो बहुत ही अच्छा है, और उसके साथ में आपका चाय कॉफी से मेंटेन करो। स्ट्रोक आ जाता है तो आरजीजीएल ही है, नोनी जी भी आपके लिए काम करेगा, कोकोनट वर्जी भी काम करेगा। आपके पास ब्राह्मी है, ब्राह्मी छह सीरीज में ब्राह्मी है, ब्राह्मी का यूज करो क्योंकि ब्राह्मी ब्रेन से रिलेटेड काम करेंगे, और उसके साथ में ब्लैक क्यूमिन। जैसे हम हर जगह पे आरजीजीएल को कॉमनली सोचते हैं या स्पार्नो को कॉमनली सोचते हैं, आप वहां पे ब्लैक क्यूमिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चीप अपॉन को यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर यहाँ पर एक इश्यू ये आएगा कि अगर वहां ब्लीडिंग वगैरह हो रही तो वहां पर नहीं, तो उससे हम बचे। हाँ, क्या हेल्दी बोन आप दे सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तीसरी चीज आ गई आपकी, वो आ गया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी कम है, इसके लिए आपको गड़बड़ है, तो इम्यूनिटी कौन बढ़ाएगा? धोनी जी, आरजीजीएल, स्पार्ना, ये तो कॉमन हो है कि नहीं। उसके अलावा घी ऑयल लंग के लिए सबसे बेस्ट है, ब्लैक क्यूमिन हो गया, और आप उसके वहां पर एड कर सकते हो आपका हेल्दी बोन के साथ में अश्वगंधा भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है। फिर उसके बाद में कैंसर इसके रीजन है, तो वो डिपेंड करता है स्टेजेस क्या है, तो वहां पे 30 पैर से ही चलाना है, एक आरजीजीएल खा के कुछ नहीं होगा भाई, मेरा आरजीजीएल बदनाम हो जाएगा, तो वो चीज को ध्यान में रखे। नोनी जी भरपूर मात्रा में ले लें, ब्लैक क्यूमिन रख सकते हैं, और उसके अलावा अपनी चाय, और बस इतना ही अभी तो यहाँ पर, तो इसके या सी बक्तम को भी दे सकते। ठीक है, फिर आगे आपका ट्यूबरक्लोसिस, तो अगेन वही रिलेटेड चीजें हैं, आरजीजीएल वगैरह। देन आपका डायबिटीज के अंदर आप नोनी जी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें, बट नोनी जी को एक चीज है कि खाने के पहले जब हम देते हैं तो वहां पर उनको एक चीज का ध्यान देने के लिए बोलिएगा बहुत अच्छे से, कि इसको अच्छे से डायल्यूट करके, अच्छी मात्रा में पानी के साथ में डायल्यूट करके पिए। आरजीजीएल का भरपूर सेवन अगर करता है तो उसका ये ब्लड जो है ना, इससे ऐसा आ सकता है, नॉर्मल में आ सकता है। वहां पर आपका शुगर फ्री कॉफी नंबर वन का काम करेगा, शुगर फ्री कॉफी, करेक्ट है। और आरजीजीएल, स्पार्ना, ये सारी चीजें दे सकते हैं, इवन कोकोनट वर्जिन ऑयल, ताकि पैंक्रियास का ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से मेंटेन करे। अल्जाइमर में कोकोजी, आरजीजीएल, कोकोनट वर्जिन ऑयल, और प्लस आपका दुनिजी, स्पार्ना, और ब्राह्मी, से ब्राह्मी क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड है, करेक्ट है। डायबिटीज में आप नीम को भी इस्तेमाल कर सकते हो, नीम है ना आपके पास, करेक्ट है ना, नीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर जो समस्या है वहां पर क्या करें, तो अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है तो भरपूर पानी पिए, आपके वेट के हिसाब से 20 किलो पे 1 लीटर, अगर आप 60 किलो के तो 3 लीटर पहले पानी। बहुत ज्यादा हरी सब्जी वगैरह खाए, नॉन वेज का आप त्याग करें जितना हो सकेगा, मैदा के चीज से बचे, गेहूं की चपाती से बचे, चावल की रोटी है, बाकी और चीजों की है, ये सब में से करके ग्लूटीन वो आपके लिए नुकसान पहुंचाएगा। फिर अगर बहुत ज्यादा सीवियर डायरिया जैसा वगैरह हो रहा है तो वहां पर जैसे आरजीजीएल, स्पार्ना, ये तो चीजें हैं, नोनी जी का भरपूर आप इस्तेमाल कर सकते हो, नोनी जी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, इवन बिलॉय भी आपके लिए अच्छे से हेल्प कर सकता है, ठीक है। वीकनेस बहुत फील होती है तो वीकनेस के लिए हम वहां पे नॉर्मली कोकोजी भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा है तो वहां पर इंटॉलरेंस जब दिखता है ना, तो मिल्क का इंटॉलरेंस, तो यहाँ पर अपने पास जो सोया है, लेकिन कई बार यहाँ पे दिखता है कि भाई सोया के मिल्क को भी वो इंटॉलरेंस नहीं कर रहा है, तो फिर वहां पे कोशिश करें कि नहीं दो, थोड़े दिन के लिए रोक दे, एक बार वो अपने लाइन लेवल पे आ गया फिर वहां से करें। अब ये आईबीएस का जो प्रॉब्लम होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वहां पर सबसे बड़ा चीज है कि कुछ भी खाया फौरन टॉयलेट को भाग रहा है, क्योंकि वो रुकता ही नहीं, तो वहां पर सबसे बढ़िया चीज आपके पास आज आई हुई है वो है कम्बुचा। कम्बुचा ही कम्बुचा,
कम्बुचा पिलाइए बहुत जोरदार, कम्बुचा से उसको काफी रिलीफ मिलेगा क्योंकि वो आईबीएस से वहां पे अच्छा बैक्टीरिया को डेवलप करेगा। और उसके साथ में फिर हम स्पार्ना को ऐड कर सकते हैं, आपका चाय ले सकते हैं। वैसे भी कहते हैं कि अगर लूज मोशन हो रहे तो ब्लैक टी पियो, करेक्ट है, वहां पर उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, कम्बुचा को बहुत पिलाइए, लेकिन कम्बुचा पिलाना कैसा है, एकदम ठंडा ठंडा करके। अच्छा वो एक चीज है, आई एम सॉरी टू से, इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारा बना कंपनी ने, सबसे मतलब ये तो हमारे सब राजा महाराजा जैसे प्रोडक्ट है। पीने वाला प्रोडक्ट कोई अगर आया तो वो था कम्बुचा, लेकिन कुछ लोगों ने ये जो हिल्स के अंदर वो पिला दे उड़ा दे ऐसा कुछ गाना वाना बना के चलते, बहुत हर्ट होता है क्योंकि वो चीज नहीं है, ये कोई नशे की चीज नहीं है। टेस्ट थोड़ा पैसा लग रहा है क्योंकि वो फर्मेंटेड है। आप अगर इडली के आटे को, इडली का आटा सुबह में अगर रात को रखो सुबह में, तो उसके अंदर भी वैसा ही आपको मिलेगा इसमें, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नशा है, वो फर्मेंटेड होने के बाद में उस तरीके का उसको टेस्ट आता है। लेकिन कुछ लोग उसको हील बना रहे हैं और गाने लगा रहे हैं शराबी के वगैरह, ये सब गलत बात है, प्लीज वो चीज मत कीजिए। बहुत अच्छी ड्रिंक है, वो एक अच्छा प्रोबायोटिक ड्रिंक है, जिसको आप अगर लेते हो तो आपका पीएच, जो मैंने कहा ना पीएच पावर ऑफ पीएच को अच्छा मेंटेन करेगा, उससे अंदर की गट का इम्यूनिटी को अच्छा मेंटेन करेगा, इससे बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपको। आईबीएस का प्रॉब्लम की वजह से बार बार लैप्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी करना पड़ती है, वो एंडोस्कोपी आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना फायदेमंद है वहां पर। फिर अंबाद में जैसे जैसे हीलिंग आ जाए आप आजीजेल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देन आपका ये मेनार्गीट से मेनोपॉज में, वहां पर अगर बच्चे हैं वहां पर आप मुनी जी के साथ में कोको जी और ब्राह्मी थोड़ा दीजिए ताकि उसको हेल्पफुल हो जाए। और ये एज में आप आते हो तो वहां पर नोनी जी आरजीजीएल आपका ब्राह्मी हो गया, हेल्दी बोन आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारा कैल्शियम खींचा जाता है ये एज में भी। बच्चों को संभालते संभालते आधे हो जाते हो क्योंकि कैल्शियम बहुत कम होता है, तो हेल्दी बोन हमेशा आप इस्तेमाल करो। हमारे हेल्दी बोन में 100% एब्सॉर्बिलिटी है, कोई भी हेल्दी बोन का एक पार्ट भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा और आपके लिए हमेशा मजबूत रहने के लिए हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हेल्दी बोन हो गया। इसी बात में यहाँ पर जो है आप जिंसिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो ये एज में आने के बाद में, वहां पर आप सी बक्थॉर्न को यूज कर सकते हो, सी बक्थॉर्न आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और प्लस आरजीजीएल स्पार्ना मुनी जी तो है ही, और स्पार्ना का सबसे ज्यादा जितना यूज हो सकेगा उतना करने की कोशिश करो क्योंकि वो आपकी एचबी और बाकी और चीजों को मेंटेन करेगा। ठीक है, हार्मोन भी बता दिया, अभी लीवर पे भी बता दिया। ठीक है, कुछ नहीं बचा यहाँ पे तो चलो। हाँ, थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया की जो केसेस होती है यहाँ पर अगर कोई चीज है तो आरजीजीएल के जैसा कोई नहीं है, क्योंकि आरजीजीएल के अंदर एक खास बात है, वो आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर को ऑर्डर में लेके आता है रेगुलर पोस्ट। तो जैसे कि अगर मान के चलिए इट इज मैं और मेरी वाइफ के बीच में जेनेटिकली कुछ डिजीज हो जिसके मेरे बच्चे पे इफेक्ट आ रहा है, लेकिन वो बच्चा मेरा अगर बचपन से आरजीजीएल का सेवन वगैरह करता है तो उसके आने वाले चीजों के लिए वो डिसऑर्डर और वो उसको सपोर्ट पूरी तरह से करने में मदद कर सकता है। और अगर मैं अभी ले रहा हूँ और आगे जाके कुछ मतलब यंग एज की बात कर रहा हूँ, पहला हो गया, लेकिन आगे के इशू के लिए मैंने 3-4 साल का गैप लिया, वहां पे अच्छा आरजीजीएल नोनी जी ये सब चीज का सपोर्ट करता हो तो मेरी जेनेटिक दूसरा जो बच्चा आएगा उसके अंदर वो चीज आने की संभावना बहुत ही कम है। तो वहां पे वो चीजों को भी आप बचा सकते हो और अपने काफी हेल्प ले सकते हो। ये सारी चीजें जो है दोस्तों आपके लिए रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरह, आप उसको ब्रांड चेंज की तरह अपने घर में इस्तेमाल कीजिए। आरजीजीएल जरूर खाइए, अगर नहीं खा सकते तो एटलीस्ट आप ड्रिंक्स के अंदर अपना जो चाय घर का इस्तेमाल करते हो वहां चाय को इस्तेमाल बदली कराइए। बच्चों को जो आप कोका वगैरह मार्केट से खरीदते हो वहां पे कोको जी का इस्तेमाल चेंज कराइए, इस तरीके से कीजिए। और आप लोगों के लिए स्पेशली आप अश्वगंधा और जिंसिंग का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस लेके चलते हैं, वहां पर आपको रस्ते में कहीं ये सीओपीडी वगैरह जैसी ऐसी कोई चीज का सामना नहीं करना पड़े और एक लाइफ और एक सुखी परिवार जीने के लिए ये सारे प्रोडक्ट आपको आज नहीं कल नहीं जिंदगी भर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आने वाले जनरेशन टू जनरेशन आपके हेल्दी रहेंगे। जब स्टार्टिंग 2:45 और अब 4:15 को हमने खत्म किया है,
अभी अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो कर सकते हैं, ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं आज आंसर देने के लिए तैयार हूँ। नॉर्मली मैं नहीं देता हूँ, लेकिन 5 से 10 मिनट के अंदर थोड़ा कोशिश कीजिए कि उसको वाइंड अप करें, क्योंकि लोगों को जाना है तो उनके लिए आर्टिकेरिया इट इज ऑटो ह्यूमन डिसऑर्डर में आता है मैडम। आर्टिकेरिया जहां पर आपका यूरिक एसिड वगैरह ये आरए टेस्ट वगैरह के लिए इससे रिलेटेड है। ऑटो ह्यूमन डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि हमारी ह्यूमन सिस्टम जो है वो हद के बाहर चलेगा और वो फिर अपने ही अच्छे सेल्स को मारने की कोशिश करेगी। तो उनको बैलेंस करने के लिए आपके पास सबसे बड़ा रामबाण है वो है आपका ये आरजीजीएल। इट एक्ट्स लाइक अ बैलेंसर। या अगर कोई चीज हाइपो में है तो उसको हाइपर में ले जाएगा, हाइपर में है तो उसको नीचे लाके नॉर्मल में करने की कोशिश करेगा। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा यू कैन यूज लाइक कैल्शियम वगैरह तो आप अगर उस टाइम पे दिया जाता है तो वहां पे ले सकते हैं। एंड नोनी जी का इस्तेमाल करें, बट नोनी जी क्या है क्योंकि आर्टिकेरिया में यूरिक एसिड का भी इश्यू आता है और नोनी जी थोड़ा सा एक आप देखोगे तो खट्टा जैसा टेस्ट जैसा है। यहां पर हमें एक ही काम करना है कि इस नोनी जी को अच्छे से आप ले लो 30 ml, बट एड वाटर अप टू 60-70 ml करके अच्छा पत्ता करके उसको लेने की कोशिश कीजिए। तो दैट विल हेल्प यू लाइक दैट एनीथिंग। बहुत ज्यादा सूजन वगैरह है तो उस टाइम पे आप एंटी इंफ्लेमेटरी वगैरह के लिए कुछ ना कुछ तो ले ही सकते हो, उसके साथ में इसको ले लो। जैसे कम बाद में उसको आहिस्ते आहिस्ते आप कम करते हो, इस पर मेंटेन करके स्पार्मा आपको एड करना है। या? ठीक ओके आर्टिकेरिया हो गया। अभी आर्टिकेरिया से रिलेटेड कोई दूसरा मजा आएगा अंदर। चलिए कोई और डायबिटीज नहीं है लाना है तो आगे भी नहीं रहेगी, शुगर फ्री पी दे रहा हूँ लाना है तो बोलो मैं ले आता हूँ। बाल निकल जाते हैं तो डैट मस्ट बी द न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होगा, उसको नरिशमेंट नहीं मिलता होगा, उसके खाने में बहुत सारी चीजें होगी। आप वहां पर उसके लिए स्पार्मा ऐड करा दीजिएगा। उसके अलावा उसको नीली तेल ऑयल से और शैम्पू से इस्तेमाल कीजिए, कोकोजी और ये दीजिए, और अगर वो अफोर्डेबल है तो बाकी चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या नीली तेलम ऑयल हेयर लॉस के लिए बहुत अच्छा है, प्लस जो बच्चों के अंदर ग्रे हेयर आते हैं ना, सफेद बाल आते हैं, उसको रिकवर करने के लिए नीली तेलम ऑयल बहुत अच्छा, उसका इस्तेमाल करना। आगे बी ट्वेल्व कम है तो हमको नेचुरली कहते हैं कि भाई स्पार्मा जो है वो एक सबसे बड़ा सोर्स है, बट देखिए नेचुरल में जो है वो बी ट्वेल्व के लिए सबसे बड़ा सोर्स होता है वो एनिमल लीवर। जो अगर कोई नहीं खाता है तो वहां पे वेज सोर्स में आपको डिपेंडेंसी आ जाती है फिर स्पार्मा पे, उसके अलावा कहीं पे तो उसके साथ में आप सीबक्सॉन को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ओमेगा और 3679 है वो सपोर्ट करके उसको कहीं ना कहीं करेगा। प्लस उसके अंदर कोशिश करें कि आप कैल्शियम लेवल भी ज्यादा जाए तो एब्जॉर्प्शन के लिए वो है। किडनी स्टोन में पानी ज्यादा पिलाइए, यूरिक एसिड का वही मैंने कहा ना, यूरिक एसिड का इश्यू होगा। पानी जितना ज्यादा पीगा वो भी देखना पड़ेगा कि उसका क्या इश्यू हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या खाने में खट्टा चीज खा रहा है, उड़द की दाल खा रहा है, पापड़ खा रहा है, अचार खा रहा है, ये सारी चीजें भी किडनी स्टोन बनाती है। तो वहां पर अगर इमीडिएट रिलीफ चाहिए बड़ा स्टोन है तो होम्योपैथी के हेल्प करता है और उसके बाद में आपको इमीडिएटली, ऐसा नहीं है कि आज खाया तो कल तोड़ के बाहर निकालेगा, बट इट विल टेक सम टाइम। यूरिन को ज्यादा खुश करने के लिए आपको कॉफी का वहां पे सहारा लेना पड़ेगा, कॉफी देना पड़ेगा उसको, उसके बाद स्पार्मा दे दो, आर्टिकेल दे दो और नोनी जी दे दो, प्लस अपना गिलॉय सॉरी दिस वन आपका ब्लैक टी या अस्थमा में गिलॉय विद आर्टिकेल गिलॉय नोनी जी दे सकते हैं। तो अस्थमा देखिए इट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी, किस तरीके का कैटेगरी है, अभी डिपेंड करता है। हमने तो सिर्फ एक किसी के पास कुछ नहीं था, मेरे पास एक लेडी आई थी स्वीपर, उसने कहा सर मैं इतना ये सब नहीं कर सकती, तो मैंने सिर्फ उसको 3 मंथ दिया था और 3 मंथ उसको पिलाया और उसको भेजा और वो 4 माला रहती थी 650 रुपए। तो यहाँ का जो है बड़ा बड़ा स्टेयरकेस होता था तो उसकी एक आदत थी कि वो पंप लेके चलती थी, 0 माले से स्टार्ट करती थी तो ऊपर चढ़ने तक उसको 200 बार पंप लेना पड़ता था, तब जाके वो घर पहुंचती। मेरे यहां से निकली तो रास्ते में ही उसको कफ निकलना शुरू हुआ था बिकॉज ऑफ 3 मंथ।
लेकिन अच्छी खासी स्ट्रांग ग्रीन वन मैंने बना के दी थी। कुछ लोग एक पैकेट में 20 बनाते हैं, उस टच का नहीं किया था, ये मुझे याद है अच्छे से। तो वो पहुंची घर पे, तो एक कप मारी, अब कब ऊपर चढ़ गई उसको नहीं पता चला। जब घर पहुंची तब उसको याद आया मैंने तो एक ही कप में ऊपर आई। फिर उसने मुझे फोन किया और मुझे बोला सर आपने मुझे क्या पिलाया। तब मैंने उसको बोला जो पिलाया था उससे क्या हुआ। बोले रास्ते में मेरे बलगम बहुत निकला। बोला यही वजह से तू एक पक में ऊपर चले। डिपेंड करता है को ओपन करना है तो वहां पे एलॉय तो हमें हेल्प करेगा ही करेगा। प्लस क्योंकि वो स्पेसिफिक है लंग्स के लिए स्पेसिफिक है, उसके साथ में हम होनी भी आरटीजीएल का अगर सपोर्ट ले तो वो खाने के बाद देना, खाने के बाद लीजिएगा, खाने के बाद और उसके साथ जी फीट आना है तो वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसकी। कई चीजें और भी चीजें होती, सप्लाई नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें हम तो हमारे तरीके से दे सकते हैं, लेकिन उनका जो चल रहा है एक्टिओन वगैरह वो कंटिन्यू रखना है, उसके सीरम को टेस्ट करना है, ये बहुत सारी चीजें हैं। न्यूरोलॉजिकली जो ब्रेन से रिलेटेड चीज है वहां पर किसी का भी एडवाइस लेके ही काम करना, अपना दिमाग मत चलाना। ब्रेन से रिलेटेड है क्योंकि कहीं भी वो इश्यू आ जाए तो नोनी जी तो आपको हेल्प करेगा ही, ब्राह्मी हेल्प करेगा नो डाउट वहां पे। बट उसका जो है हर महीने महीने सीरम टेस्ट कराते हुए उसको वो एक्टिओन को फिर कम करते करते जाए। वो ऑब्जर्वेशन मेन चीज इसमें होता है कि लॉन्ग टर्म क्रॉनिक कोई भी रहेगा उसको आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है और फिर उसकी एलोपैथी क्या कोई भी चल रहा है इसको कम करते करते इसको सपोर्ट देते हुए जाना। ब्लड प्रेशर, उनको ब्लड प्रेशर नहीं होता है, उसके लिए सबसे अच्छा शून्य करो, वो भी एक तो प्रोडक्ट है आपका डीएक्सएल का। शून्य करो अगर ब्लड प्रेशर इंटरनली किसी भी चीज के वजह से है, जैसे इतनी सारी चीजें मैंने बताया ब्लड का गाढ़ापन है या उस वजह से, तो आपके लिए कैसा है। अगर बस ऐसी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ये सब तो खाइए, उसके साथ शून्य की शून्य का भी एक बहुत बड़ा रोल है जो आपको ये सारी चीजों में आपको हेल्प करेगा। एक्सरसाइज मेडिटेशन और ये देगा आपको प्लस नोनी जी आजीजन उसको नॉर्मल लाने में अच्छा करेगा। जितना भी थायराइड डायबिटिक आपका ब्लड प्रेशर और ये जो भी पैरामीटर ऊपर नीचे जो हो रहे हैं इसको नॉर्मल करने के लिए आरटीजीएल कॉमन रहेगा इस बार ना विद नोनी जी, ये चीज को समझ के चलिए। तो ये नोनी जी आपके लिए एक फायर इमीडिएटली उसको रिलीफ देने का काम करेगा। ठीक है, अभी छोटा बच्चा कितने साल का है, 4-5 महीने का है, ये कैसा पता चला आपको पेट में दर्द होता है। मे भी उसके अंदर वो गैस हो रही होगी, वो बॉटल से दूध पी रहा होगा, तो वो है तो बॉटल उठा के बाहर फेंक दो, उसको चम्मच बाटी से दूध, तो बॉटल से दूध पीने की वजह से वो गैस बन जाती है और वो दर्द होता है। सिंपल है, बॉटल उठा के बाहर फेंक दो, वाटी चम्मच से उसको पिलाओ, हमारा कोको जी उसको हेल्प करे। तो डेट इज हाँ नहीं नहीं रीढ़ के हड्डी में जो है तो यहाँ के है या नीचे कमर के, नीचे कमर तो कमर से इसका राइट हैंड का नहीं है, राइट हैंड के अंदर अगर इश्यू है तो वो फ्रोजन शोल्डर का इश्यू होगा। वहाँ पे फिजियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर रीढ़ की हड्डी का भी कुछ भी है तो फिजियोथेरेपी जरूर है, लेकिन उसके साथ में उसको जो आसपास की चीजों को रिपेयर कराना है तो आपको नोनी जी क्योंकि वो पेन किलर के लिए बहुत अच्छा है, प्लस आरटीजीएल जो रिपेयर का काम करेगा, लेकिन फिजियोथेरेपी नंबर वन पे रहेगा। उसके बाद में आप सोचोगे कि मैं ये दे दूंगी और ऐसी ऑटोमेटिकली उठेगा, टाइम लगेगा उठेगा स्लोली होगा, बट अगर आप फिजियोथेरेपी करोगे तो कुछ चीजें हैं जहां पर हमें एक्सरसाइज को सपोर्ट लेना ही। ओके थैंक यू, चलो।